हमारे सोलर सिस्टम में 200 से ज्यादा मून्स मौजूद हैं, जिनमें गैनीमेड, टाइटो, कैलिस्टो और आईओ चार सबसे बड़े चांद हैं। इन सब में से गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। यहाँ पर हमारी जमीन से भी 10 गुना बड़ा समंदर मौजूद है और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा मून है जिसके पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन कैसे, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। गैनीमेड जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और ये वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समंदर मौजूद है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मुनफरिद चांद है। यहाँ ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। जुपिटर के 79 मून्स हैं और गैनीमेड उन मून्स में तीसरा सबसे बड़ा मून है। जुपिटर के चार सबसे बड़े मून्स को गैलीलियो मून्स भी कहा जाता है, जिनमें गैनीमेड, आईओ, यूरोपा और कैलिस्टो शामिल है। गैनीमेड इन चार मून्स में से सबसे बड़ा है। इसका डायमीटर 5268 किलोमीटर है और अगर इसका कंपैरिजन जमीन के साथ किया जाए तो ये जमीन के डायमीटर का 0.41 गुना है, जो सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन से 1.02 गुना बड़ा है। कई सालों तक साइंसदान टाइटन्स को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद मानते रहे, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस था और अपने डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये साइज में बहुत बड़ा दिखाई देता था, जिसकी वजह से साइंसदान इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद समझते रहे। गैनीमेड का साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे और पहले प्लेनेट मरकरी के साइज से 26 गुना ज्यादा बड़ा है। साइज के बड़ा होने के बावजूद इसका मास मरकरी से कम है। गैनीमेड की एवरेज डेंसिटी 1.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन मरकरी की एवरेज डेंसिटी 5.4 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। जिस तरह यूरोपा के सरफेस बर्फ से बनी हुई है, उसी तरह गैनीमेड के सरफेस भी एक थिक बर्फ से बनी हुई है जो 150 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। साइंसदानों के मुताबिक गैनीमेड की सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का समंदर हो सकता है, जिसकी वजह से इसका मास मरकरी से कम है। मरकरी पूरी तरह मेटल से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये गैनीमेड से भारी है। गैनीमेड का समंदर इतना बड़ा है कि इसमें जमीन के समंदरों से बहुत ज्यादा पानी है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी कि ये हमारे समंदर के सबसे ज्यादा गहरे पॉइंट से 10 गुना ज्यादा गहरा है। गैनीमेड पर इस बहुत बड़े समंदर का मतलब है कि इसका 50% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है, बाकी हिस्सा पानी, मेटल और दूसरी आइसेस से मिलकर बना है। यहाँ पर सबसे बड़ा समंदर होने की वजह से इसका नाम गैनीमेड रखा गया, क्योंकि गैनीमेड का नाम क्लासिकल मेथोडोलॉजी से आया है। रोमन्स के मुताबिक कहा जाता था कि जियोस, जिसको जुपिटर कहते थे, उसका एक बेटा था जिसका नाम गैनीमेड था और इसको देवताओं के लिए एक शराब पीने वाले के पास ले गए। और ऐसा ही लगता है कि गैनीमेड भी जुपिटर के लिए बहुत सारा पानी लेकर जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चांद पर पानी का समंदर है और यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो क्या यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि लाइफ के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये दोनों ही चीजें गैनीमेड पर मौजूद हैं। क्या वाकई ही यहाँ पर लाइफ मौजूद है? इफ टीवी के दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गैनीमेड पर समंदर और ऑक्सीजन के अलावा कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है। साइंसदानों के मुताबिक गैनीमेड पर एटमॉस्फेयर लेवल 0.2 से 1.2 माइक्रोपास्कल्स के दरमियान है, जो हमारी जमीन पर मौजूद सी लेवल के एटमॉस्फेयर से 100 अरब गुना कम है, जो सांस लेने के लिए नाकाफी है। चलो मान लेते हैं कि इसकी सतह पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन जैसे हमारी जमीन पर मौजूद समंदर की गहराई में लाइफ मौजूद है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, क्या इसके समंदर की गहराई में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? गैनीमेड का समंदर बहुत ज्यादा गहरा है और यहाँ पर नीचे गहराई में बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से पानी वापस आइस में कंप्रेस हो जाता है और हमारे समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में जिंदगी पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जमीन पर समंदर की गहराई में जमीन की कोर गर्म है। वहाँ पर जियोथर्मल इवेंट्स के जरिए ऐसे मिनरल्स खारिज होते हैं जिनके जरिए समंदर की गहराइयों में भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसा गैनीमेड पर भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन यूरोपा जो गैनीमेड का हमसाया मून है, वहाँ पर गैनीमेड की निस्बत लाइफ का ज्यादा चांस है। लेकिन अगर गैनीमेड का समंदर होगा तो यहाँ इसकी गहराई में लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये गैनीमेड के अंदर की दुनिया को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकता है। साइंसदानों के मुताबिक कई मॉडल से पता चलता है कि सॉल्टी समंदर में बहुत सी लेयर्स हो सकती हैं, जो आइस शीट्स की मदद से डिवाइड होती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे इंटरनल लेयर्स
जो इस चांद की रॉकी कोर से जुड़ी हो सकती हैं, जिनसे उस हिस्से में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल साइंसदानों के मुताबिक वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि गैनीमेड के बहुत बड़े समंदर में मौजूद पानी और बर्फ कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको साइंसदान आज तक नहीं समझ पाए। हमारे सोलर सिस्टम में 190 से ज्यादा मून्स हैं, जिनमें किसी के पास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन गैनीमेड वाहिद ऐसा मून है जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को 1996 में साइंसदानों ने पहली बार डिस्कवर किया, जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसको फ्लाई बाय करना शुरू किया तो उसने इसकी सतह पर एरोरास को देखा, जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि एरोरास वहाँ ही बनते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारी जमीन के पास भी बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और ये एरोरास हमारी जमीन की सतह पर भी बनते हैं, जब सूरज से निकलने वाली सोलर विंड जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर वाले हिस्से से अंदर दाखिल होती है तो ये एरोरास बनते हैं। और ऐसे ही एरोरास इस चांद पर भी बनते हैं, जिसका मतलब है कि इसके पास भी हमारी जमीन की ही तरह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी साइंसदान समझ रहे थे। इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से भी कई सालों तक स्टडी तो किया जाता रहा, जिससे ये वाजे हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये इसके एटमॉस्फेयर को सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। यहाँ तक कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो इसे जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड और इसकी रेडिएशन से बचा सके, क्योंकि इन रेडिएशन की वजह से गैनीमेड की सरफेस के 5 से 8 रेम है, जो इंसान को 2 महीनों में शदीद बीमार कर सकते हैं और ये मर सकते हैं। लेकिन इसकी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बाकी मून से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी वही सवाल दोबारा आता है, आखिर इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे? साइंसदान इसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों मौजूद है। हमारे प्लेनेट की कोर हॉट और मोल्टन है, इसके अंदर मौजूद कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो हमें सूरज की पावरफुल रेडिएशन से बचाती है। लेकिन ये अमल गैनीमेड की कोर में नहीं होता, क्योंकि गैनीमेड का साइज हमारी जमीन से बहुत छोटा है। लेकिन कई साइंसदान इस बात पर यकीन करते हैं कि हो सकता है कि इसकी कोर अब तक काफी ठंडी होकर सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो गई हो और इसकी कोर में ये कन्वेक्शन करंट बनता नहीं होगा, जिसकी वजह से कोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, जिससे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनती होगी। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? साइंसदान इसके बारे में श्योर नहीं है। उनके मुताबिक हो सकता है कि ये टाइडल हीटिंग की वजह से हो। गैनीमेड जो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, ये इसके गिर्द अपना एक चक्कर 7 दिनों में कंप्लीट करता है। टाइडली लॉक्ड होने की वजह से जब ये जुपिटर के करीब जाता है तो जुपिटर की बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये चांद स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। और जब ये जुपिटर से दूर जाता है तो ये वापस अपनी हालत में आ जाता है, और ये अमल हर 7 दिन में एक दफा होता है, जिसकी वजह से गैनीमेड के अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और इसी हीट की वजह से इसकी कोर भी लिक्विड फॉर्म में होती होगी, जिससे कन्वेक्शन करंट इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। सेम यही अमल यूरोपा पर भी होता है, जिसकी वजह से इसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। साइज के छोटा और एटमॉस्फेयर के कमजोर होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन की तरह कमजोर नहीं है, जिसकी वजह से ये सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को रोक नहीं सकती। जुपिटर की ग्रेविटी के साथ साथ गैनीमेड को आईओ और यूरोपा की ग्रेविटी भी खींचती है, जिसकी वजह से भी इसकी कोर में हीट जनरेट होती होगी। इन 3 मून्स की ग्रेविटी की वजह से इन 3 मून्स ने आपस में एक रिलेशन बना लिया है, जिसकी वजह से गैनीमेड जुपिटर का एक चक्कर लगाता है, यूरोपा 2 और आईओ 4 चक्कर लगाते हैं, और ये इन 3 मून्स की ग्रेविटी की वजह से ही है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और इन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से गैनीमेड की कोर लिक्विड फॉर्म में रहती है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लेकिन साइंसदान अभी तक इसके बारे में कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। साइंसदानों के मुताबिक इसके सरफेस के 2 हिस्से हैं, जिसमें से एक डार्क रीजन है जिसने इसके आधे हिस्से को कवर किया हुआ है और बाकी आधा हिस्सा इसकी लाइटर रीजन ने कवर किया हुआ है। इन दोनों सेक्शंस पर बहुत ज्यादा गड्ढे देखे गए हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये डार्क रीजन्स लाइटर रीजन से ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा गड़े हैं और लाइटर रीजन्स में कम गड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि इस पर लंबे पतले उभार और नालियां हों जो 700 मीटर हाई और हजारों किलोमीटर लंबी हों। ये सच में एक शानदार नजारा है, लेकिन साइंसदान अभी भी श्योर नहीं है कि ये पतले उभार कैसे बने। एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि टाइडल फोर्सेस मून की सरफेस से दूर तक फैल गई हैं। शायद हो सकता है कि इस टाइडल फोर्स ने गैनीमेड की कोर को गर्म किया हो और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को महफूज किया हो। इसकी वजह चाहे जो भी हो, गैनीमेड की मैग्नेटोस्फीयर साइंसदानों के लिए मून के कंपोजिशन को समझने में मदद करती रही हो। इन एरियाज को मेजर करते हुए गैनीमेड के एटमॉस्फेयर में एरोरा जाहिर होते हैं।
साइंसदान 100% श्योर नहीं है कि इनकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी लाइफ मौजूद हो, जिसके बारे में अभी साइंसदान कुछ नहीं जानते, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी अभी साइंसदानों को कुछ नहीं पता, वो भी एक मिस्ट्री है। लेकिन ESA 2022 में जुपिटर पर अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगी जो 10 सालों बाद वहां पहुंचेगा। देन हमें गैनीमेड की इन सब मिस्ट्रीज के बारे में पता चल पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये अमेजिंग वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।